आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जंगलात और जंगली जानवर, यानी इंडिया का कहाँ कौन सा फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इस पेज में देखो बहुत सारे जानवर नजर आ रहे हैं। जैसे तो हम सबसे पहले देखेंगे महाजर चिड़िया। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देखो लिखा सर्दियों के जमाने में। हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं और देखो तुम्हें लिखा हुआ है कि सर्दियों के जमाने में जिन मुल्कों में ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां से कुछ परिंदे उड़कर हमारे मुल्क आते हैं, जो गर्मी के मौसम शुरू होते ही वापस वतन लौट जाते हैं, उसी को महाजर चिड़िया या माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सा में हाथी, हिरण, इन कौन कौन हिस्से में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये तुम लोग पढ़ लेना, इसे हो जाएगा। अब हम लोग अगला आते हैं, यहाँ पर इस पेज में आएंगे और देखेंगे क्या के तुम्हारा मिलेगा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और नेशनल पार्क और सेंचुरी। ये क्या है भाई कि नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरी किसे कहते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या है। तो हम थोड़ा जूम करके देखो दिखा रहे हैं। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट मतलब ही समझ में आ रहा है कि जंगलात का तहफूज कैसे हम लोग करें। ऐसे जंगलों में हुकूमत से लाइसेंस हासिल करके लोगों की मवेशी चराने और लकड़ियों काटने की इजाजत देती है जहाँ की इंसानी आबादी जंगलों पर मुनहसर करती है। यानी ऐसे लोग जो गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं, इजाजत लेकर वहाँ का लकड़ी काट रहे हैं। ठीक है, जंगल को काटना ये करना मना है, इसीलिए वहाँ से तुम्हारा परमिशन लेना पड़ता है। सेंचुरी में क्या, यहाँ ऐसे जानवर को खास हिफाजत और अफजाइश नस्ल को मद्देनजर रखा गया है जो अब लगभग खत्म होने को है। यानी ऐसे जानवर जो अब एकदम नायाब है, खत्म हो रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, वो जानवर को हिफाजत किया जा रहा है। इस जगह को हम लोग बोल रहे हैं सेंचुरी, जैसे जल्दापाड़ा में सेंचुरी है। ठीक है, जल्दापाड़ा का सेंचुरी। अब हम लोग अब है नेशनल पार्क, यहाँ जंगली जानवर के साथ साथ कुदरती नबातात भी और कुदरती हसियाती बरकरार रखने पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कुदरती नबातात जो ऐसे पेड़ पौधे जिसको हम लोग क्या महफूज कर सक रहे हैं, उसको बचा कर अलग से रख रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उस जगह को नेशनल पार्क बोल रहे हैं। 1972 को 1972 को जंगली जानवरों का तहफूज यानी जो वाइल्ड एनिमल है उसका प्रोटेक्ट किया गया, तहफूज किया गया। उसका कानून कब बना, 1972 में। ठीक है, ये वाला 1972 वाला तुम लोग टिक आउट कर लेना। और हर साल अक्टूबर में, अक्टूबर का हफ्ता में क्या बनाया जाता है, जंगली जानवरों के हफ्ता के तौर पर सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ मैप में दिया है कि कौन कौन सा जानवर कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इसको तुम लोग देख सकती हो, यहाँ पिक्चर के जरिए दिया है। अब हम लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान के ज़राअत। हिंदुस्तान के ज़राअत में जो जो खेती बाड़ी होती है, हिंदुस्तान में कौन कौन सी चीज़ की खेती बाड़ी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ कुछ फल फ्रूट्स का ये पिक्चर दिया है, गजाई फसलें कौन कौन सा है, धान, गेहूँ। ठीक है, सब्जी फसलें या आलू पटल दिया है, रेशादार फसलें कौन कौन सी होती है, तो ये रेशादार पीने वाले फसलें जैसे चाय, दीगर फसल कौन कौन सा है, ये सब ध्यान में से तुम लोग रखना। ठीक है, देखो यहाँ मेन टॉपिक ये आता है कि झूम काश्तकारी किसे कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लोगी कि झूम काश्तकारी क्या है। हिंदुस्तान के शुमाल में मशरक के कबायली जंगलों को साफ करके वहाँ सब्जी की काश्तकारी होती है, और चंद सालों बाद वहाँ की मिट्टी का जरखेजत जब खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह हम लोग चले जाते हैं। यानी एक जगह खेती कर रहे हैं और यहाँ का मिट्टी का जरखेजत खत्म हो गया, अब दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं, तो यही अमल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, झूम काश्तकारी। ठीक है, ये वाला टिक कर लेना, उसको क्वेश्चन भी बना लेना। पहाड़ी इलाकों में ढलवान और जमीन पर मिट्टी कटाव की रोकने की सीढ़ी बनाकर क्या होता है, खेती होते हैं। वहाँ पहाड़ी इलाके में क्या होता है, सीढ़ी बनाकर ये ऊंचाई हिस्सा में क्या करते हैं हम लोग, खेती करते हैं। वैसे देखो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको भी तुम लोग देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट पेज में आते हैं, देखो ये पेज जरा तुम लोग, इसमें क्या है, ढेर सारा
अनाज का दिया है, जराती फसलें दिया है जैसे धान है, गेहूं का देखो ये दिया, ज्वार बाजरा का दिया है, ठीक है, दाल दिया है, तो ये सब का क्या दिया है? बारिश कौन सा जरात कौन सा मिट्टी में उगती है ये दिया है, गेहूं कौन सा मिट्टी में उगती है, ज्वार बाजरा कौन सी मिट्टी में उगती है, ये सब ध्यान रखने से क्वेश्चन आ जाता है कि धान कौन सी मिट्टी में उगती है, सैलाबी दोमट मिट्टी, ठीक है, या फिर ज्वार या गेहूं कौन सी मिट्टी में उगती है, तो ये सब तुम लोग क्वेश्चन बनाकर याद रखना, ठीक है। और इसका दर्जा हाथ बारिश भी कर लोगी पर ज़्यादातर मिट्टी करना इम्पोर्टेंट रहता है। अब अगला पेज देखते हैं क्या है। अगला पेज में हिंदुस्तान के देखो लिखा है कबायली कबायल, ठीक है, कबायली और इंसान के कबायल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, कबायल कौन है? खास सामाजिक गर्दो जमा जो जमाना कदीम से शिकार और मवेशी पालन फल फूल जमा करके अपनी जिंदगी बसर करता है, यानी जो जंगली इलाका में क्या कर रहा है, सिर्फ क्या समाज से हटकर क्या कर रहा है, अपना मवेशी पालन कर रहा है, जंगल में ही फूल जमा कर रहा है, फल जमा कर रहा है और अपना जिंदगी वहीं बसर कर रहा है, उसी को बोलते हैं कबायल, ठीक है। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ कबायली लोग हैं देखो यहाँ दिया है सारा। अब तुम लोग ये वाला स्टेट तो जान गई हो मैप में, इससे पहले करवाए थे वीडियो में, देख लेना। अब कौन कौन सा जगह में कौन कौन सा कबायल है, यहाँ देखो दिया हुआ भी है कि मगरी बंगाल में कौन कौन सा है, ठीक है, मगरी बंगाल झारखंड में, यहाँ मध्य प्रदेश में कौन सा, तो ये बॉक्स को अच्छा से तुम लोग देख लोगे, मैं से दिखा भी रहा, इसमें देख लो सारा स्टेट का अलग अलग दिया, लोग कौन जुबान बोलते हैं, जैसे यहाँ के संथाली बोलते हैं जुबान, तो ये सब तुम लोग देख लोगे। अब ये लास्ट ही चल रहा है कि हिंदुस्तान के कौन कौन से जगह में कौन कौन से लोग अपना जुबान इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद चैप्टर ख़त्म है, चैप्टर ख़त्म। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ये दी एंड होता है, ठीक है। और इंडिया का कुछ भी, इंडिया का कुछ भी बताएं, समझना है सब, एक एक टॉपिक का एक एक चीज़ वीडियो में अपलोड है, तुम लोग देख सकती हो, एक एक वीडियो देखोगी समझ आ जाएगा। अगर कुछ भी और ना समझ में आए कमेंट्स करना, ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह।